कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। जब सुशांत सिंह का जब आत्महत्या हुआ था, उसके बाद लगातार ये आवाज़ जो उनके फैन के द्वारा, पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा, तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा ये बात उठाई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं यह एक प्लांटेड जो है मर्डर है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए, जो बिहार पुलिस को वहाँ जांच के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो पुलिस है, उसकी जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में नहीं जा रही है और जाँच को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी को लेकर कल सत्र में जो नूतन सिंह MLC हैं, उनकी भाभी भी हैं, उन्होंने भी मांग उठाई, जो इसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। और तमाम जो नेता हैं उनका एक ही बात कहना है, जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारे साथ आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, जो समाजसेवी हैं और प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं। आशुतोष जी, लगातार अपना अपराय रखते रहते हैं, सामाजिक अपने पैसे से अलग हटके भी आप अपने बात विचार को रखते हैं लोगों के लिए, क्या कहेंगे? आज नीतीश कुमार ने कहा जो सीबीआई जांच होनी चाहिए और अनुशंसा भी हो गई, मतलब केंद्र सरकार से अनुशंसा कर दिया गया, अब इसमें तेजी आएगी, जांच की जाएगी, क्या कहेंगे? जो पूरा प्रकरण देखते हैं, आशुतोष जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो सारे चीज़ों को और सारे पहलुओं को रख कर जो भी वो बात बोलते हैं बिल्कुल सटीक और सही बोलते हैं। और आज के दिन में जहाँ पूरा बिहार का आप कहिए तो एक प्रेस्टीज दांव पर लग गया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे एक कलाकार की मौत, और इसे अब आत्महत्या नहीं कहा जाए क्योंकि यह मौत है, इसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है। तो ये सीबीआई जांच की जो मांग थी वो अपने आप में बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मौका दिया और महाराष्ट्र की पुलिस का जो रवैया आप लोग देख रहे हैं और बिहार पुलिस की जो बिहार पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया है, हमारे DG साहब गुप्तेश्वर पांडे जी साहब ने जो इसमें पहल की है, तो यहाँ पर दोनों पुलिस की कार्यशैली को देख के एक आम आदमी या एक जनता जो है वो बिल्कुल देख रही है, और उसको ये पता है कि बॉम्बे की पुलिस साक्ष्य को मिटाने में लगी हुई है और इसको देर कर रही है, जिससे कि जो भी तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं वो मिट जाए और जो अपराधी है वो बच जाए। तो एक पुलिस जो है, तो सवाल यहाँ पे ये लेंगे, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना, जो शुरू से जो अपना बात विवाद के लिए मतलब जाने जाते थे, आज कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन पर भी एक सवाल या निशान लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कहने का मतलब ये है, जो कोई भी सरकार रहे लेकिन वहाँ के जो है, मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल ये उठा रहा है कि वहाँ के हालात में सभी लोग संलिप्त हैं, क्या कहें? बिल्कुल, शिवाजी की नगरी और गणपति जी की नगरी में जहाँ बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी और वो अपने आदर्श से समझौता नहीं करते थे, और आज कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है अपने आदर्शों से समझौता करके और आज जिस स्थिति में है उसमें अगर वहाँ के जो लोग उसमें लिप्त हैं उनको बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, तो शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार का रवैया हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार में कोई भी लोग हों, कोई भी बैठे हों, अपराधी को बचना नहीं है, अपराधी बच नहीं सकता है, और सरकार का यही रवैया होना चाहिए। हमारे यहाँ से पुलिस की टीम गई, उनके साथ बर्ताव भी ठीक नहीं, वो विनय तिवारी गए, उनको होम क्वारंटाइन वहाँ पे मतलब क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिनों के लिए। अब यहाँ से कुछ टीम को भेजने की प्लान हो रही थी, लेकिन आज सीबीआई जांच की भी बातें हुई है, जो अनुशंसा कर दिया गया है, जो तमाम पहलुओं को देखते हुए क्या कहेंगे उद्धव जी के लिए? बिल्कुल, देखिए ये अगर आप ये समझें कि कोई एक वारदात होती है और उस वारदात में पुलिस ही साक्ष्य को मिटाने में लग जाती है, तो सबसे पहला तो संशय जो है वो यहीं पे शुरू होता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने कोई अपना तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है जिससे लगा हो कि वो जांच में तत्पर है या उनकी जांच जो है, जैसे उसके पहले दिशा की जो फाइल थी पुलिस ने कहा कि वो फाइल गलती से डिलीट हो गया, तो इस तरह की गलती इतने बड़े जो आत्महत्या कांड जो हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये सारे कड़ी एक दूसरे से जुड़ते चले गए हैं। और यही होता ही है कि कोई आदमी किसी का राज अगर जान जाता है तो उसको हटाने के लिए इस तरह के जो आत्महत्या का जो सीन बुना जाता है या उसको दवा के डोज़ से। आप एक डॉक्टर भी हैं, मुंबई में रहे भी हैं, और आप ये बात में ये बातें सामने आती भी हैं, जो आप संगीत, गीत संगीत और कलाकार का बहुत इज्जत करते हैं, तो क्या कहेंगे, आत्महत्या था या फिर ये प्लांटेड? ये एक पूरी तरह से
लिखा गया एक पूरी तरह से, कई एक फिल्म का फिल्म की किरदार के जैसा लोगों को चुना गया इसमें काम करने के लिए। अब एक चीज़ आप हमें बताइए कि बिहार से सुशांत सिंह राजपूत जो अपने बलबूते पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आज के तमाम हीरो के साथ खड़े हैं, तो जो हीरो हीरोइन जो नेपोटिज्म के तरीके से आते हैं, जैसे आप जो भी हमारे फिल्म स्टार हैं उनके बच्चे जो हैं आज, उनके साथ अगर सुशांत को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो कहीं मायने में उनसे लाख गुना आगे थे, तो आखिर ये जलन किसको हुई होगी? बॉम्बे में वैसे कलाकार जिनके बेटे आज फिल्म में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और एक सुशांत जो बिहार से जाता है और अपने अपने एक्टिंग पर अपने दम पर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में जब अपना धाक जमाता है, तो इसका असर किन पे पड़ रहा होगा आजकल के जितने भी जो सो कॉल्ड स्टार किड्स हैं उनके ऊपर? तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ जाती है कि डिप्रेशन में किनको होना चाहिए था, वो फिल्म स्टार जिनके बच्चे फिल्म में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार होंगे कि सुशांत सिंह डिप्रेशन के शिकार होंगे? ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात भी नहीं कही है, ये तो सामने दिखता है कि अगर एक जैसे फिरोज खान के बेटे हैं फरदीन खान, उनको अब फिल्म नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन के शिकार होंगे कि आज सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार होंगे जिनकी फिल्में हिट हो रही हैं, जो अपने से अपना साम्राज्य और देखने में इतना सुंदर, और आजकल के जो 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 स्टार किड्स हैं उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो डिप्रेशन के शिकार कौन होंगे? सुशांत सिंह राजपूत होंगे कि वैसे स्टार किड्स होंगे जिनकी फिल्म को चलाने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं फिर भी उनकी फिल्म नहीं चल रही? जी किस पे आरोप लगाते होंगे आपकी नज़रों में, किन किन पे ऐसी मतलब लग रहा है? बहुत जो जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती जा रही है तो ये दिख ही रहा है कि जो लोग इसमें लिप्त थे तो ये उन्होंने सुशांत की हत्या ही करवाई है, क्योंकि सुशांत बहुत सारे राज को जानता था और राज को छुपाने के लिए हत्या करना बॉम्बे में एक आम बात है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आज से नहीं बहुत पहले से ये होता आया है, और आज तक जैसे कि पहले जैसे दिव्या भारती का केस को देख लीजिए या इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, जिया खान का केस देख लीजिए, तो और हर बार एक ही व्यक्ति का नाम सामने आता है जब भी कोई इस तरह के आत्महत्या की बात होती है, चाहे जिया खान हो चाहे ये बात हो, तो कहीं ना कहीं, और बॉम्बे पुलिस अगर अपने को बहुत स्मार्ट मानती है, अपने को बहुत अच्छा मानती है, तो आज तक किसी भी केस में उन्होंने अभियुक्त को तो कभी पकड़ा ही नहीं है। त्रिवेदी जी, हम ये कह सकते हैं जो ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं वो कहीं ना कहीं कानून को भी अपना मोहरा बनाते हैं। बिल्कुल, बॉम्बे में और कहीं भी है कि देखिए सरकार में जो लोग हैं अगर वही लोग इस तरह के काम में लिप्त होंगे तो फिर वो तो पूरा तंत्र उनके साथ लगा होता है, तो इसमें निष्पक्ष चुनाव निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई का आना बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है अब जो अनुशंसा किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, अब जो जांच होगी, अब जो नए सिरे से बातें आएंगी, क्या लग रहा है सुशांत के फैन को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी जहां कुछ हुआ? अच्छा बिल्कुल, क्योंकि हमारा अपना कलाकार, हमारे अपने जगह का गया हुआ कलाकार की अगर इस तरह की स्थिति हो रही है तो ये आगे हमारे और कलाकारों पर भी असर करेगा, और सीबीआई की जांच शुरू होने में इतना दिन जो बीत गया है, इतना दिन में महाराष्ट्र के लोग पुलिस ने कितने साक्ष्य को मिटा दिए होंगे, कितने साक्ष्य अब तक ख़त्म हो गए होंगे, तो ये अब सीबीआई के लिए भी बहुत कठिन होगा इस पूरे वाक्यांश को सॉल्व करना। पटना पुलिस कुछ जो है बिल्कुल कर ली है। बिल्कुल, पटना पुलिस ने भी काफ़ी आगे तक काम किया है लेकिन उन्हें सहयोग नहीं न मिला। अब आप सोचिए कि एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो जहां पर इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो सोचिए कि उस साक्ष के पीछे जो एक आम आदमी होगा उसको क्या आप आज 14 दिन के लिए विनय तिवारी अगर जो हमारे आईपीएस है उनको क्वारंटाइन किया गया होगा, आज उनकी मानसिक स्थिति देखिएगा, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो ज़रूर वो फ्रस्ट्रेशन में होंगे, तो सुशांत सिंह जो बहुत सारे राज जानता होगा वो कितना फ्रस्ट्रेशन में होगा, और ये जो उन्हें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो दिया जा रहा है ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सारे फिल्में हिट हो रही हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, ये तो एक प्री प्लान्ड मर्डर है कि धीरे धीरे छोटे छोटे डोजेज में उनको ख़त्म किया जाए। कितने साक्ष्य को मिटा दिए होंगे, कितने साक्ष्य अब तक ख़त्म हो गए होंगे, तो ये अब सीबीआई के लिए भी बहुत कठिन होगा इस पूरे वाक्यांश को सॉल्व करना। पटना पुलिस कुछ जो है बिल्कुल कर ली है। बिल्कुल, पटना पुलिस ने भी काफ़ी आगे तक काम किया है लेकिन उन्हें सहयोग नहीं न मिला। अब आप सोचिए कि एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो जहां पर इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से
ट्रीट किया जा रहा है, तो सोचिए कि उस साक्ष के पीछे जो एक आम आदमी होगा उसको क्या आप आज 14 दिन के लिए विनय तिवारी अगर जो हमारे IPS है उनको क्वारंटाइन किया गया होगा, आज उनकी मानसिक स्थिति देखिएगा, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो ज़रूर वो फ्रस्ट्रेशन में होंगे। तो सुशांत सिंह जो बहुत सारे राज जानता होगा वो कितना फ्रस्ट्रेशन में होगा, और ये जो उन्हें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो दिया जा रहा है ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सारे फिल्में हिट हो रही हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है। ये तो एक प्री प्लान्ड मर्डर है कि धीरे 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 छोटे छोटे डोजेज में उनको ख़त्म किया जाए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी थे जो हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है जो फिल्म इंडस्ट्री में वैसे लोग अभी भी कहीं ना कहीं आसीन हैं जिसकी मिली भगत से तमाम जो है घटनाएं को अंजाम दिया जाता है, और ऐसे में अच्छे कलाकार को हम लोग खो देते हैं। बहुत ज़रूरी है इस पर CBI जाँच हो और तथ्य सामने आए ताकि इस तरह घटनाएं दोबारा फिर नहीं घटें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़ सहयोगी सोनू साधन सुझा जी न्यूज़ पटना।